आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन समस्या के ऊपर। एक आम समस्या है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज रहना, ठीक से पेट का साफ ना होना। आप सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए जाते हैं और टॉयलेट के कई चक्कर लगाते हैं, उसके बाद आपका पेट साफ होता है। दिन भर भारीपन बना रहता है या पेट फूलता रहता है, गैस सी रहती है, तो यह आम तौर पे कब्ज के कारण सारी समस्याएं। तो यह कॉन्स्टिपेशन जो है अपने आप में एक बड़ी व्याधि नहीं है, बड़ा रोग नहीं है, लेकिन यह बहुत ही बड़ी रोगों के उत्पन्न होने का कारण जरूर बन जाता है अगर इसे समय रहते पूरी तरीके से ठीक नहीं किया गया। तो आज मैं आपको कोई दवाई नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको एक आसान सी टिप बताऊंगी जो आप घर में रहकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे कब्ज आसानी से दूर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना रोनिस, MD आयुर्वेदा। आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये किसमिस है, इसे छोटी दाग कहते हैं। तो इसकी एक और प्रजाति बड़ी रूप में आती है, जैसे बड़ी दाग या मुनक्का जो काले काले होते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको आपको करना क्या है, इसको सुबह पानी में धो कर रख दीजिए, एक आधा कप भर के किशमिश ले लीजिए और उसे एक गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। उसे 7 से 8 घंटे भीगे रहने दीजिए। उसके बाद आपको रात में भोजन के बाद सोने से आधा घंटा पहले किशमिश को अच्छी तरह से चबा कर और उसके बाद एक गिलास गर्म पानी या एक गिलास गर्म दूध के ज्यादा अच्छे रिजल्ट है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दूध डाइजेस्ट नहीं होता आसानी से, वो एक गिलास गर्म पानी ले सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, पेट बहुत आसानी से साफ होगा, हार्ड स्टूल की समस्या खत्म हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट स्टूल रहेगा, आसानी से पेट साफ होगा और उसके साथ ही आपका चेहरा साफ हो जाएगा। अगर आपको पिंपल्स हैं, आप यंग एज में और पिंपल्स हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे और साथ ही आपके डार्क सर्कल्स भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ही अच्छा सोर्स है हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने का, खून शरीर में खून को बढ़ाने का। तो इसी तरह की आसान सी टिप्स जानने के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।